सनी भाई कहाँ है? मेरे फेवरेट। थैंक यू। कितनी खराब हो ये केक। क्यों? ओ अल्लाह, ये कौन सा वाला केक है? तो देखो जैसे तुम वैसे तुम्हारा केक। मेरी तारीफ पे लगी हो या मेरी बेइज्जती पे लगी हो? नहीं, ये बड़े बड़े दांत, फिर वो कहते जैसे तुम हो वैसा केक। अभी एक सरप्राइज और है, एक मिनट रुकना। तुम दोनों लोग केक काटो। ये मुझे लग रहा है मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं। ऐसे लग रहा है खेलूं। और इसी काम से कहते हम लोग जैकेट में लग गए। अब मजा आई मुझे, अब सुकून मिला। तुम मालूम है ना मुझे मेरे कपड़े जूते बालों से कितना प्यार है। इन्होंने सरप्राइज दे ही दिया फाइनली, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि सनी ने रिजा के लिए भी सोच के रखा। सनी ने सभा को दिया बर्थडे सरप्राइज। सभा का बर्थडे मन चल रहा है। सभा के बर्थडे से पहले आता है रिजा का। जिस तरह से सनी ने सभा को सरप्राइज दिया, उसी तरह से उन्होंने रिजा के बर्थडे पर भी केक लेकर आए। इसे देखकर सभा बहुत ज्यादा खुश हुई। सभा को एहसास हुआ कि सनी कहीं ना कहीं रिजा के लिए भी सोचा। सभा का कहना है कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। देखा जाए तो सनी इस मामले में बहुत अच्छे हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। और आप देख सकते हैं कि सभा और रिजा ने एक साथ काटा केक। यही छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान को एहसास दिलाती है कि वो तुम्हारे लिए कितना स्पेशल करते हैं। रिजा को इब्राहिम फैमिली में उतना ही प्यार मिलता है जितना कि सभा को। दीपिका हो या शुएब या सभा, रिजा से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि रेहान से भी वो बहुत प्यार करते हैं। और आपको कैसा लगा सनी का ये सरप्राइज, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आप आपसे ज्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।